ये बहुत जरूरी चीज है ना। दिखेगा कैसे फिर? कैसे मेरा तो फिर भी बहुत साफ है। नहीं मेरा बहुत साफ है। कल तो क्या ऑफरोडिंग हुई थी यार, हालत खराब हो गई थी। अभी बजे हैं 6:30 और एक और नए व्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। हमारे राघव भाई बैठे हुए बेड पे आराम फरमा रहे हैं, रात को ये सोए नहीं है, इतने इन्होंने खर्राटे मारे हमारी भी नींद हराम कर दी थी। बाकी यार बाहर का जो नज़ारा है ना, ये देखो क्या सही लग रहा है ना। अभी रोशनी कम है, चंदा मामा भी निकले हुए हैं। तो ऐसा कुछ रूम था हमारा जी, दो बेड लगे हुए थे, वो उधर पड़ गया, मैं इधर पड़ गया। हाँ इसको नींद आ रही है भाई, 350 किलोमीटर जाना है, खड़े हो जाओ। और आज हम जा रहे कहाँ? पुणे। हाँ वो आ गया भाई, पानी लेके आ गया, प्यास लग रही थी। थैंक यू, आप उधर रख दो, दो ले जाओ, दो ही चाहिए हमें। हाँ दो ही चाहिए। तो सामान हमारा जा चुका है, बाकी पानी वानी पी के हम निकलते हैं। आज का करते हैं दिन स्टार्ट। ऑल सेट, ये चले। मोटा भाई पेट दिख रहा है। हाँ मजाक कर रहा हूँ। अबे बंद तो कर दे इसको, हो जाएगा। हो गया। दिल्ली की ओर जाते हुए 33वां दिन है। भाई ये पूरा ऑल इंडिया कर रहा है इस टाइम। अबे 2 किलोमीटर तो साला रिसेप्शन है आका। मुझे लगा क्या ना 2 किलोमीटर दिल्ली ओर का है, क्या हो गया इसका? ये देखो नजारा देखो भाई, क्या सही लग रहा है ना। हाँ। ओ भाई इतना भी बड़ा ब्लॉगर नहीं बनना मुझे। अभी पिस जाते हैं हम लिफ्ट के बीच में। मैरियट बॉनवॉय। हेलो जी, गुड मॉर्निंग। खा पी के मस्त। हमारा क्या है? जो जागत है वो पावत है। अरे हम जो पहले के जागत है और तैयार होके आवत है वो बड़े आदमी। जो मिलेगा हम वो खा जाएंगे। प्लेट ले लेते हैं। पकोड़े, पाड़क के पकोड़े। इसमें क्या है? अरे वाह, ये डाल यार नमकीन चावल, ये फेवरेट है अपने। ये भी इसे डालेगा? हाँ भाई, कड़छी तो ले लेता, इससे कितने उठाएगा तू? चाइनीज बन गया क्या? फटाफट ब्रेकफास्ट करते हैं और स्टार्ट करते हैं आज की जर्नी। पकोड़े हैं, वड़ा है, पाव भाजी है, पाव आएगा, और ये नमकीन चावल। ये खड़ी जी अपनी बाइक के, कल मैंने बूसा चलाई थी, आज पता नहीं कौन सी चलाने को मिलेगी। बाकी एक बार मैं फिर दोबारा से आपको बता देता हूँ कि कौन कौन सी बाइकें इस रोड ट्रिप में यूज़ हो रही हैं। बूसा है, पल्सर 250F, अपाचे RR 310, माइटी टाइगर 1200, मैं चलाता हूँ 800 वैसे मेरे घर पर है। बाकी उसको तो मैं हर जगह लेके गया हूँ, लेकिन भाई जैसा कि मैंने पिछले व्लॉग में आपको दिखाया था कि इसकी जो सीट हाइट है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो शायद ये मैं सिर्फ थोड़ी देर के लिए चलाऊँ या फिर ना ही चलाऊँ। कहाँ जा रहे हो? थाईलैंड। सो ऑल सेट फॉर पुणे, लेकिन उससे पहले है जी मीटअप। हम जा रहे हैं वेगा की फैक्ट्री, वहाँ पर मीटअप है। बाकी आज मैं चलाने वाला हूँ अपाची RR 310। टाइम हो गया है 7:50। वैसे अपाची को भी चलाने में मज़ा आ रहा है। एक्चुअली इस पर मैंने एक राइड करी थी ट्रेसिंग द रूट्स, जिसमें कि ऑलमोस्ट हाफ इंडिया कवर किया था। 15-16 दिन चलाई थी बाइक और इंडिया के 4 जो रेसिंग सर्किट्स हैं वहाँ तक गए थे और उन पर बाइक चलाई थी। होती है सुबह सुबह वाली राइड, क्या मज़ा आ गया। सही भाग रही थी यार अपाचे RR 310। ब्रेकिंग भी काफ़ी अच्छी है इसकी, लेकिन अगर कंपेयर किया जाए बूसा या फिर मेरी टाइगर से तो उससे तो 19-20 का फ़र्क है। 19-20 का ही नहीं बोलूँगा, 18-20 का बोलूँगा। लेकिन ऑल इन ऑल एक बहुत बढ़िया बाइक है अपाचे RR 310, और जो नया वाला लुक आया है इसका वो बहुत ही शानदार है, जो रेड एंड वाइट वाले कलर में आया है। बच्चे यार स्कूटर चला रहे हैं, देखो। ये है जी बेलागांव शहर, बेलागांव काफ़ी अच्छा शहर लग रहा है, ये रोड्स वगैरह प्रॉपर बने हुए हैं। सो गाइस राइट नाउ हम पहुंच चुके हैं बेलगांव, और ये रहे हमारे दोस्त, बेलगांव से हैं सब। हाय बोलो। हाय, क्या बात है यार, मज़ा आ गया मिलके सभी से, और काफ़ी देर से मैं इनसे बातें कर रहा हूँ यार, मज़ा आया, सीरियसली मज़ा आया, और अपनी जो स्टोरीज है वो शेयर कर रहे हैं हम, अच्छा लगा मिलके। सो एक्चुअली हु ऑल नोस अबाउट XBHP? यस, सबको पता है, दैट इज ग्रेट। XBHP प्रिंट मैगजीन अगर आपको चाहिए और अगर आपके यहाँ पर नहीं आती है ना, तो ये इंसान है, ये जो मुस्कुरा रहा है वहाँ खड़ा होकर। तो विजय सर इज टेकिंग केयर ऑफ द सर्कुलेशन ऑफ द XBHP प्रिंट मैगजीन। नमस्ते
help with the content, so you can anytime you can pick it up any of the issue and you'll find the great and fresh. वो content हम में से किसी ने create किया होगा, वो कोई news नहीं है कि अरे वो तो कोई बाइक लॉन्च हुई थी या ये हो गया। काफ़ी सालों से राइड कर रहा हूँ और करीबन 12 साल से मैं XBSP के साथ राइड कर रहा हूँ और बहुत सारी राइड्स करी हैं। अगर मैं स्पेशल वन बताऊँ तो XBSP के साथ मेरी थी म्यांमार वाली राइड जिसमें कि ग्रेट एशियन ओडिसी हुई थी, लेकिन जो पहली राइड थी मेरी वो थी फ्लिकर राइड, वो थी 2012 में। और एक अच्छा इनिशिएटिव XBSP ने इस बार लिया है, कॉज लिया है जो कि ऐसे नो टू ड्रग्स। तो नशे करो लेकिन ट्रैवलिंग के करो, घूमो फिरो। हाँ बिल्कुल, ट्रैवलिंग एक नशा है। बिल्कुल मोटो एडवेंचर ब्रदर, यू गाइस आर अमेजिंग मैन। द वे ही डिड द ऑल इंडिया राइड इन हिज डोमिनर, I was a Dominar owner for a very, very long time. Even I have 2018 Dominar just like you. And eventually I bought a Tiger as well. The same journey. So we connect a lot and he is doing amazing. So you guys should follow their journey. Instead of them saying cringe content creators, you have to follow someone who is truly into motorcycling. Did the entire India ride in his Dominar, covering each and every bit, the struggles as a biker and also the scenic locations, shoots. And also you show that how expensive the riding is at the same time, showing that visuals free of cost. Blue and is one double tone mein we have launched it. One side it's the blue tone majorly and the red tone, and we have a colored spoiler at the back. लो जी आपको अंदर से दिखाते हैं वेगा की जो फैक्ट्री है वो कैसी है, लेकिन जो वर्कर्स हैं वो कहीं पर गए हुए हैं सारे के सारे, मतलब उनको ऑफ मिला हुआ है आज। अरे बैग रह गया मेरा, अच्छा हुआ याद आ गया। ये है जी एंट्रेंस यहाँ की, यहाँ पर सारे ये हेलमेट ही होंगे मेरे ख्याल से। हाँ जी ये देखो कितने सारे हेलमेट लगे हुए हैं XOR के। ओह वाओ, उधर से चलते हैं अंदर। नाइस, चलो तो यहाँ पर प्रोडक्शन होती है पूरी। मेन ऑफिस। अच्छा मेन ऑफिस है ये प्रोडक्शन, अंदर वहाँ पे अंदर वो देख सकते हैं हम। अभी फिलहाल पूरा बंद नहीं, वैसे ही जनरली थोड़ा सा दिखाते हैं आपको कि प्रोडक्शन कहाँ पर होती है हेलमेट्स की। प्रोडक्शन लाइन है। अच्छा जाके वापस। ओके थैंक्स। हाँ आज वर्कर कोई नहीं है। ओ भाई साहब ये कहाँ आ गया मैं, ये पूरा प्रोडक्शन होता है यहाँ पर हेलमेट्स का। अभी तो मशीन्स वगैरह बिल्कुल बंद पड़ी है, यहाँ पर कुछ होता होगा। वो गजब 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 गजब, ये आउटर शेल है सी। तो यहाँ पर बनने के बाद मेरे ख्याल से वहाँ पर जाते हैं चेकिंग के लिए, फिर उसके बाद नीचे जाते होंगे, पैकेजिंग वगैरह सारी चीज़ें होती है। लेकिन यार पहली बार मैं ऐसा कुछ एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, किसी इतनी बड़ी फैक्ट्री में आया हूँ वो भी हेलमेट की। और यहाँ पर वेगा के हैं, XOR के बनते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर देख रहा हूँ रॉयल एनफील्ड। तो काफ़ी अच्छे हेलमेट होते हैं इनके यार, मैंने पहने भी हैं और मेरे पास है भी। कलर कॉम्बिनेशन देखो यार कितने गजब गजब के हैं, और ये आ गया नियॉन। इस टाइम अगर देखा जाए तो इंडियन मार्केट में XOR ने बिल्कुल भाई साहब बवाल मचा रखा है। ये देखो, और ये वाली सीरीज़ काफ़ी फेमस हो चुकी है इस टाइम, वेनमस। चलो जी ये एक छोटा सा टूर मैंने आपको दिया, बाकी जो दूसरा ऑफिस है वहाँ पर चलते हैं। ये है इनका मेन ऑफिस। वाओ जमीन आसमान का फर्क, और ये भी फर्स्ट आए थे यहाँ से, 1000 टाइम्स बेटर रेजोल्यूशन है ये आएगा। जब ये डिजाइन इस ग्राफिक का आएगा तो ये कंप्लीट मतलब टोटली चेंज हो गया। सो फाइनली जो मीटअप है वो ख़त्म हो चुका है, पूरा मीटअप बहुत बढ़िया तरीके से गुजरा। अब निकलते हैं आगे की तरफ, 12:30 से ऊपर हो चुके हैं। XBSP के साथ मज़ा बहुत आता है क्योंकि बहुत चीज़ें सीखने को मिलती हैं, देखने को मिलती हैं, बाइकर से मिलते हैं, उनके जो थॉट्स हैं, उनकी जो स्टोरीज़ हैं, हम अपनी स्टोरीज शेयर करते हैं, वो शेयर करते हैं। तो यही एक बाइकिंग कल्चर है और बाइकिंग को प्रमोट करती है XBHP, और एक सेफ़ राइडिंग को प्रमोट करती है। और इस बार तो एक कॉज लेके चल रही है XBHP जो कि एक बहुत ही शानदार कॉज है, से नो टू ड्रग्स। तो एक लिंक मैंने दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ पर ज़रूर जाकर चेक करिएगा और हो सके तो डोनेट कीजिएगा इस अच्छे कॉज के लिए। यहाँ पर कितना अच्छा लग रहा है, दोनों साइड पानी है, बीच में से रोड निकल रहा है, कितना सही लग रहा है। यहाँ पर ड्रोन शॉट बहुत प्यारा आता है।
ये देख रहे हो, ओए होए सुस्वागतम महाराष्ट्र में, आपका स्वागत है। लो भाई महाराष्ट्र में एंट्री हो गई अपनी, काफ़ी अच्छा खींच दिया, पौने तीन हुए। अबे यहाँ पे लगानी है भाई, अरे वहाँ पे लगाते हैं ना, ये जगह ठीक है। जो पेलम पेल भगाई है, मज़ा आ गया। फोर फोर्टी फाइव हो गए भाई साहब, भाई पाँच बज गए, क्या कर रहे हैं, 200 किलोमीटर जाना है, अंधेरा हो जाएगा, श्योर शॉट है। बाकी अपाचे आरआर थ्री टर्न में छोड़ दिया, अब पकड़ लिया भूसा। चिपलून 98 रह गया, सतारा 52, कराड़ 1 किलोमीटर है। जी हाँ, हम कराड़ पहुँच चुके हैं। राइट हैंड साइड पर कराड़ की जो सिटी है वो नज़र आ रही है। स्पीड अपनी मतलब ठीक ठाक है, सिटी है तो थोड़ा सा धीरे ही चलेंगे। ये लिखा हुआ कराड़ शहर सावकाश झा, और ये महाराष्ट्र है पूरा, तो महाराष्ट्र वालों को, मुझे तो ध्यान नहीं आ रहा कि मराठी में क्या बोलते हैं। वैसे महाराष्ट्र वालों को सभी को नमस्कार डीजी भैया का। हेलो, अरे यार वो डिलीट करना पड़ा, कुछ सीन हो गया उसका। हेलो सर, हार वाले सोचेंगे चलान वालान तो नहीं कट गया। नहीं जी, सर पूछने आया, हम दिल्ली, मैं दिल्ली से हूँ, ये मुंबई से ही है। यहाँ पे काफ़ी सारे ट्रैफिक पुलिस वाले खड़े हुए, सबको रोक रहे हैं, स्पेशली ये आए हैं पूछने के लिए, क्योंकि ये तीन भाई लोग दो तीन घंटे से वेट कर रहे थे। बड़े वाला कटा है। हेलो सर, ये गाड़ी दीदी कितनी पर्यंत एवरेज थी गाड़ी? एवरेज 10-12। हाँ देखा जाए तो वैसे एक एडवेंचरर और एक सुपर बाइक दोनों होनी चाहिए, है ना, मज़ा आता है। अरे एक तो खिला दो यार, बेर है ना ये, ये अच्छे हैं। वैसे इनसे खांसी भी हो जाती है कई बार, पानी पीते इसके जज्बात तो हो जाती है। यहाँ से अभी भी 100 किलोमीटर के आसपास मेरे ख्याल से अपना जो डेस्टिनेशन है आज का बचा हुआ है, हम जा रहे हैं लोनावला। पुणे का थोड़ा सा कैंसिल हो गया है। आसमान में कलर्स देखो कितने अच्छे लग रहे हैं, शाम मस्तानी मद हो। लाइट चली जाएगी जल्दी तो आपका वीडियो बना देते हैं। मेरे को याद आया एकदम से, अच्छी लाइट है, अच्छी लाइट है यहाँ पे, और रोड भी काफी चौड़ा। अरे निकाल ले तो नॉर्मल वीडियो में बनाऊंगी, हां सिनेमैटिक में ब्लर हो जाता है इसमें। हां नॉर्मल नॉर्मल, अरे थोड़ा ऐसे बना लूंगी, थोड़ा ऐसे बना लूंगी, दोनों दोनों में काम आ जाए। थैंक यू। गया भाई साहब पेट्रोल, गया खत्म हो गया पेट्रोल, झटके ले रही है बाइक। नहीं 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 पहुंचेगी, झटके ले रही है। पेट्रोल हो गया जी खत्म, अब गाड़ी से डालना पड़ेगा क्योंकि गाड़ी के अंदर है एक्स्ट्रा। कितना डाला होगा? 5-1 लीटर का। 5 लीटर था इसमें? हाँ बहुत है, तब तक तो आगे तक चल ही जाएगा। चले एक मिनट खड़ी तो कर दूं। अब मेरा मन नहीं कर रहा कि अब भूसा को चलाया जाए, अब मेरा मन कर रहा है थार में बैठ के आराम से होटल जाया जाए। राघव भाई चलाएंगे हैं, भूसा पहुंचाने में एक्सपर्ट हो जाए। ओके तो राइट नाउ यार मैं थार चला रहा हूँ इस टाइम, और अभी हम एक टनल से गुजर रहे हैं। हालांकि ये मेरा सेकेंड एक्सपीरियंस है थार चलाने का, और पिछली बार जब मैंने चलाई थी तो रोड ट्रिप यूनाइटेड पर ही चलाई थी 2021 में, और यहाँ से दिखा रहा है 59 मिनट्स 50 किलोमीटर के आसपास।
सो गाइस होटल देखो यार, क्या होटल बना हुआ है। इंडिया में ऐसा होटल एक्सपेक्टेड नहीं था, लेकिन देखो ऐसा लग रहा है कि मैं चाइना में आ गया हूँ। चाइना वाली फील आ रही है पूरी। अल्टीमेट बनाया हुआ है, सी ब्यूटीफुल, ऊपर से कवर्ड है और चारों तरफ ये रूम्स ही रूम्स।